तो सलाम करने से क्या होता है कि सलाम करने से आपसी मोहब्बत ताल्लुकात बढ़ते हैं, उससे ताल्लुकात अच्छे होते हैं। और इसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लम ने भी फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 6236, किसी ने पूछा उनसे साहबा ने कि अल्लाह के रसूल बताइए बेहतरीन इस्लाम क्या है, तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि खाना खिलाना, यानी खर्च करो अल्लाह के राह में, और सलाम करो, पहचानते हो उसको भी और जिसे नहीं पहचानते हो उसको भी। और यही क़यामत की निशानी है कि अगर हम पहचान कर सलाम करेंगे तो ये बेहतरीन इस्लाम क्या है, सबसे पहले तो खाना खिलाना, खाना खिलाना तो इसके अंदर ये तो एक तरह से आजकल बंद सा हो गया। खाना खिलाना एक तो वो है जो गरीबों को मिस्किनों को उनको खाने के लिए देना, वो उभारा गया कुरान के अंदर हदीसों के अंदर। लेकिन ये जो खाना खिलाना यानी कि आपस के अंदर मुसलमान एक दूसरे को बुलाए खाना खिलाए दावत दे उसको, ये खत्म सा हो गया, अब ये बिल्कुल होता ही नहीं है। शादी ब्याह है, कोई फंक्शन है तो बुला लिया, उसमें भी छांट छांट के बुलाया जाता है। या फिर वो ख़त्म हो गया कि पहले हुआ करता था कि अब दावतें रखी जाती थी कि आज छुट्टी आप हमारे घर पर आइए, फिर वो सिलसिले चला करते थे, उससे ताल्लुकात रहा करते थे, वो ताल्लुकात खत्म हो गए। इसलिए मुसलमानों की अंडरस्टैंडिंग आपस में नहीं मिलती, तो इस वजह से खत्म हो गया कि पहले वो एक को बुलाता था कि हमारे घर पर आइए आपकी दावत है, वो यहाँ का रह कर जाता था तो बोले अगली बार आप हमारे घर पर आइए, वो फिर वहां पर एक को बुलाया तो फिर वहां पर वो किसी सामने वाले का जो उसका दोस्त था उसका कोई दोस्त था उसने उसको भी बुला लिया, इन दोनों की कोई आपस में जान पहचान नहीं थी, वहां जाकर मिले इनकी पहचान भी बढ़ गई, फिर इन्होंने इनको खाने पर भी बुला लिया। तो ये इस तरह से पूरा माशरा एक दूसरे से जुड़ता है, तो ये आज बंसा हो गया, कोई किसी को ना खिलाता है ना पिलाता है ना कुछ नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा जो है मर्द मर्द मिल जाते हैं। तो फैमिली का जो आपस के अंदर जो हुआ करता था कि एक दूसरे से मिलते जुलते थे, तो टर्म्स होते थे, फैमिली टर्म्स वो ख़त्म हो गए, या तो मर्द हजरात मिट जाते हैं मुसलमान है या जो तो बाज़ार में मिलते हैं, बाज़ार में नाश्ता पानी कर लिया घर चले, अब उनको कोई वो नहीं, तो एक अलग फील्ड उनकी हो जाती है पूरी, मर्दों मर्दों की, औरतों का ताल्लुक अड़ोस पड़ोस से रह गया, तो ये रिश्तेदारियाँ और सारी चीज़ों ख़त्म हो जाती है। तो ये बेहतरीन अल्लाह के रसूल सल्लम इसलिए था कि खाना खिलाना, बेहतरीन इस्लाम में खाना खिलाना, तो खाना खिलाओ और सलाम को आम करो।